मैच ऐसा देखो कि साला रिव्यू वीडियो बनाने के चक्कर में, रिएक्शन वीडियो बनाने के चक्कर में रोस्ट वीडियो ही बन जाए। पिछली वीडियो में तुम मुझे बोल रहे थे भाई ये रोस्ट वीडियो बना रहे हो अब या फिर क्रिकेट चैनल के बारे में बात करो। अरे मैच ही ऐसा दोगे तो क्या करेंगे हम। पहले T20 के बाद अब दूसरे T20 में भी वही हाल हुआ और हार भी किससे रहे हैं, वेस्ट इंडीज से। चलो इससे पहले कि हम थोड़ा सा गरमाएं, एक अच्छी खबर भी हमको मिली है इसी बीच और वह ऋषभ पंत ने अब नेट्स में 140 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा की बॉल्स को भी फेस करना शुरू कर दिया। यानी कि अब थोड़ा सा बंदा जो है ग्रूव में आ रहा है और अभी ये भी पता चला है कि अब धीरे धीरे उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स वाली चीज़ें हैं वो भी होंगी। अभी तो ऐसे सिर्फ खेल रहे हैं लेकिन ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स और धीरे धीरे फिर आएंगे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस से। आ जाओ यार, सारा फॉर्मेट, सारे इंडियन टीम, सारे फैंस मिस कर रहे हैं अब। और ये वेस्ट इंडीज का दौरा देख के भाई जख्मों पे हमारे और चोट लग रही है। इस बार टॉस जीत के इंडिया ने पहले बैटिंग करी, शायद ये सोच के कि पिछला मैच भी हम हारे थे, पहले बैटिंग नहीं करी थी बाद में बैटिंग करी थी तो इस बार कुछ चेंज कर लेते हैं। लेकिन जीतना कहाँ था इंडिया को, क्योंकि हार्दिक पांड्या था इस मैच में। नहीं समझे तो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। एक तो सबसे पहले ये कैमरामैन बदलवाओ भाई तुम। उधर बंदा बोल्ड हो रहा है और कैमरा दिखा रहा है बाउंड्री के पास, अचानक से कोई फ्रेम चेंज हो गया, छक्का पड़ गया तो कैमरामैन का फोकस अभी भी पिच पर ही है। इनका बजट नहीं है लग रहा है कुछ सही सा। वो तो स्टेडियम की हालत देख के भी समझ में आ रहा था ये IPL वाला बजट दो इनको जरा, तो हमारा जियो सिनेमा पे एक्सपीरियंस भी हो बढ़िया देखने का, वरना हमें समझ नहीं आता। बॉल जा रही उधर ईरान और दिख रहा है हमको तुरान। यार ईशान किशन की बैटिंग क्या है, मतलब पूरा बंदा सेटिस्फाई जाएगा, स्पेशली वो विद द पेस जो शॉट उड़ाते हैं इधर उधर, आए हाय देख के मजा आ जाता है। वैसे एक दो चीज ही है इंडियन क्रिकेट की बैटिंग में अभी जिसपे बात कर सकते हैं, थोड़ा खुश हो सकते हैं, जैसे तिलक वर्मा की बैटिंग लास्ट वाले T20 में भी अच्छा खेला था, यहाँ पर भी अपनी पहली 50 उन्होंने बजा दी। बाकी पूरी मैच में इंडियन टीम के क्रिकेट की बैटिंग की बात करने का फायदा नहीं है, थोड़ा सा हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने बचा लिया इसमें और एंड में रवि बिश्नोई की जरूरत पड़ रही है तब जाके तो 150 रन का स्कोर टापा इन्होंने। और भाई साहब इसको तुम वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज लप्पू ये मत समझो, ये अपनी अच्छी बॉलिंग से विकेट ले रहे थे, यहाँ पे कर नहीं पाए कुछ इंडियन बैट्समैन सामने। नहीं अभी हमारी इंडियन टीम की बॉलिंग भी तो आनी है। हार्दिक पांड्या ने शुरुआत में ही तो जलवे दिखाए, एक तो पहली बॉल में विकेट लिया उन्होंने, पहले ओवर में दो विकेट लिए और एक टाइम पर जो स्कोर कार्ड है वो दिख रहा था 3 रन पर 2 विकेट, पूरी फुटबॉल वाली मैच की फीलिंग आ रही थी। अब लग रहा था अब पकड़ में आई है वेस्ट इंडीज, लग रहा है शायद पहले मैच में तुक्का लग गया था, लेकिन नहीं, तीसरे विकेट के लिए थोड़ा सा हमको तड़पना पड़ा, 32 रन पे जाके विकेट मिलता है। उसके बाद निकोलस पूरन ने बहुत सारे रन बनाए और बहुत तेजी से बनाए, 67 रन वो पेल के चले गए। जेसन होल्डर का मुझे समझ में नहीं आता कोई स्पेशल खाता या कोटा मिला है क्या उनको वेस्ट इंडीज की टीम में, 3 बॉल पे 0 रन बना के कल्टी काट लिए वो। अब लास्ट के 5 ओवर थे और वेस्ट इंडीज को 26 रन चाहिए थे। भाई ये वेस्ट इंडीज की टीम है, अगर नींद में इनको डंडा भी पकड़ा दोगे ना बैट की जगह, वो भी T20 फॉर्मेट की अगर बात हो तो भी ये रन बना लेंगे। शुरू में थोड़ा सा ऐसे उम्मीद जगी थी जब पहली 6 बॉल में 3 विकेट मिल गए, अब लग रहा है यार ये हमारा हारा हुआ मैच हम जीतने वाले हैं, बट ये मैच में हार के जीतने वाले बाजीगर नहीं बने हम बिल्कुल भी, हार के जीत के मैच दोबारा हार गए क्योंकि एंड में अकील हुसैन ने जो बजाया मैच के बिल्कुल लास्ट में, वेस्ट इंडीज के अकील ने मैच में आखिरी कील ठोक दी, बाउंड्री बजा दी और इंडिया दूसरा T20 भी हार गई। बात सही बताऊं मैं ये नहीं चुभी मुझे इस बार की वेस्ट इंडीज जीती है, इस बार अकील हुसैन जो स्टाइल से सेलिब्रेशन भी करते हैं भाई कान अपने बंद करके, मेरे को विराट कोहली की याद आती है। अगर विराट कोहली ये चीज देख लेना और वो मैच में है, मैच तो वो जीतेगा अलग, ये चीज देखने के बाद साथ में रात में नींद भी उड़ा देगा विराट कोहली, इस लेवल का मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। भले इंडिया पूरा मैच हार रही हो अगर विराट कोहली मैच में, और ये हरकत विराट कोहली देख ले जो अंदर से अपने गर्मी आती है ना विराट कोहली की, लेकिन नहीं आजकल ना सोशल मीडिया पे उनको खुद का मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा मिल रहा है। अभी विराट कोहली कहीं जा रहे थे प्राइवेट जेट से तो उनके सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन की बरसात है इस चीज की, भाई पोल्यूशन के टाइम पे तो तुम बड़ा ज्ञान पेलते हो, दिवाली के टाइम पे तो तुम बड़ा ज्ञान पेलते हो, अब तुम प्राइवेट जेट से जा रहे हो तो कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा क्या भाई। जो कुछ भी हो यार अब ये विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को तुम लेके आओ वरना ये बंटाधार कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया की T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने लगातार बायलैटरल सीरीज में 2 मैचेस हारे हों, और ये किसके सामने हो रहा है, वेस्ट इंडीज के सामने। हार्दिक पांड्या ना वेस्ट इंडीज के क्रिकेट को रिवाइव कर रहे हैं, जो उनकी इमेज खराब हुई है ना पिछले काफी कुछ टाइम से, ऐसा मैं नहीं ऐसा लोग कह रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद भी तो वेस्ट इंडीज से है। ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा लोग कह रहे हैं, देख लो ऐसा मैं नहीं कह रहा। इस सीरीज में हम 2-0 से पीछे हो गए हैं, वो भी वेस्ट इंडीज से। अभी तक ये जो पूरी सीरीज हुई है ना, ये जो पूरा टूर हुआ है इंडिया का, इसमें से 7 मैच हुए हैं टोटल, 3 मैच इंडिया ने जीते हैं, 3 मैच वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, 1 मैच टेस्ट वाला ड्रॉ हुआ है।
अभी भी अगर कोई ये बोल रहा है ना तुक्के से हो रहा है वेस्ट इंडीज का, तो भाई प्रभु चरण कहाँ हैं आपके। अभी बहुत सारे लोग अगर ये एक्सप्लेनेशन एक्सक्यूज लेके आ रहे हैं कि वो तो नहीं वेस्ट इंडीज में जाके खेल रहे हैं ना, तो इंडिया में खेलेंगे तो फिर जीत, अबे तो रणजी ना खिलवा लें हम अपनी, हम इंटरनेशनल टीम बना के क्यों बैठे हैं। अगर यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो भाई फिर तो हाथ जोड़े मैंने, और मैं तो कह रहा हूँ रणजी वाली टीम को इंटरनेशनल टीम बना दो। अब तो भाई फुल इज्जत पे बात आ गई। ये 5 मैच की T20 की सीरीज है, और अगर अब नहीं जीते तो भाई फिर 3-0 हो जाएगा, और फिर ये सीरीज तो इंडिया जीतने से रही। वर्ल्ड कप भी पास आते जा रहा है, ऐसा मोमेंटम अगर लेके चलेंगे आने वाले टाइम के लिए एशिया कप के लिए भी, तो फिर तो भाई क्या ही हम बोले इंडियन टीम को। वर्ल्ड कप तो फिर है ना दूर का सपना ही सोच लो। फिर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ फोटो जरूर खिंचवा ली, और ये ट्रॉफी तो भाई लग रहा है दुनिया के हर एक कोने में चली जाएगी, न्यूयॉर्क में भी चली गई है। और ये फोटो में देखो जरा ये पीछे लोग कैसे देख रहे हैं, ये क्या बला है। इसलिए शायद क्योंकि यूएसए में तो वैसे भी क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, तो देख रहे होंगे ये क्या क्यों रख दिया बीच में। नहीं बोलूंगा ज्यादा कुछ नहीं, मैं जब स्पेस पे पहुंचा सकते हैं इसको तो फिर अब मैं कहीं पे भी एक्सेप्ट कर लूंगा ट्रॉफी। नहीं यार आज मेरी कोई शेर व शायरी नहीं निकलेगी, अब तो जब इंडिया जीतेगी नहीं तब तक मैं कुछ नहीं शायरी मारने वाला। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना ये जिंदगी आपसे मजे ले लेगी, जैसे इंडिया से ले रहे हैं अभी वेस्ट इंडीज वाले।